नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल अनिल शुक्ला फिटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक बार आपके क्लास में आए हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि मापन क्रिया या मापन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। आज हम उसी चैप्टर में मापन के बारे में ही मापन के टूल्स के बारे में बात करेंगे। हमने आपको बताया कि मापन की तीन विधियाँ होती हैं, एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है अप्रत्यक्ष विधि और एक होती है तुलनात्मक विधि। तो हमने आपको प्रत्यक्ष विधि में बताया कि स्टील रूल या स्केल जिसे हम कहते हैं कैसे काम करता है, उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब अप्रत्यक्ष विधि के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। अप्रत्यक्ष विधि में, जैसे अप्रत्यक्ष विधि की माप लेने के लिए हमने आपको बताया था कि कैलिपर सबसे ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं टेक्निकल या आईटीआई की दृष्टि से, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज द कैलिपर, कैलिपर व्हाट इज द कैलिपर। सबसे पहला हमारे सवाल, कैलिपर लिखते ही हमारे दिमाग में जो बात आती है कि यह है क्या, ये है क्या, ठीक है ना। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। देखिए, कैलिपर जो होता है दोस्तों, कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी, अप्रत्यक्ष मापी टूल है, ठीक है ना। पहले इसमें माप ली जाती है, उसके बाद इसकी माप को हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी मापी यंत्र के माध्यम से, जैसे स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर, उसके माध्यम से फिर हम उसकी गणना करते हैं कि कितना हुआ, ठीक है ना, कितने का है। ध्यान दीजिएगा, तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी टूल है, ठीक है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। अब कैलिपर को हम जनरली वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं। फिर आता है, ये बात आती है कि ये कैलिपर तो होते हैं, ये क्या है, कैसा है, लेकिन ये बना किस चीज़ का है। तो कैलिपर जनरली हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, लेकिन मेन पॉइंट जो है, जो नॉर्मली बनते हैं, वो काहे के बनते हैं, माइल्ड स्टील। दो धातुओं बनाए जाते हैं, एक हाई कार्बन स्टील स्पेशल तौर पे बनाए जाते हैं और एक होता है माइल्ड स्टील, जो जनरली यही इस्तेमाल किया जाता है। माइल्ड स्टील आपके ऑप्शन में मिल सकता है कि कैलिपर्स बने होते हैं, उसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कार्बन, हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील दोनों सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद कैलिपर्स अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है, बना काहे का होता है हमने आपको बताया। अब हम जानेंगे कि कैलिपर्स होते कितने प्रकार के हैं। तो प्रकार जानने से पहले दोस्तों, हम आपको सिर्फ एक बात बताना चाहेंगे कि कैलिपर्स के प्रकार दो प्रकार से लिए जाते हैं, प्रकार में भी दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया। जैसे आदमियों का वर्गीकरण, एक लंबा आदमी और एक छोटा आदमी कितने हैं इस भीड़ में, तो अपन दो प्रकार से वर्गीकरण कर रहे हैं, पहले लंबे लंबे छांटेंगे फिर छोटे छोटे, या पहले छोटे छोटे या पहले लंबे लंबे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने दो प्रकार से विशेषता उसकी दो रखी है, विशेष, तो यह विशेषता के आधार पर दो प्रकार बांटे गए हैं, फिर प्रकार अलग है उसमें। देखिए, पहला जो होता है वो होता है जोड़ के आधार पर, जोड़ के अनुसार, अनुसार जोड़ के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, जोड़ के अनुसार यह दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम दृढ़ जोड़, आप इसको ऐसे समझिए, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग,
स्प्रिंग जॉइंट। आप टेक्निकल लैंग्वेज में समझिए, आप शुद्ध हिंदी के चक्कर में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट, फर्म जॉइंट कैसा होता है मैं आपको एज ए डायग्राम एक आध समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखिए, एक तो मतलब यहाँ पे रिबिट के द्वारा ये दोनों लेग्स को जोड़ा गया है, ठीक है ना, रिबिट के द्वारा इन दोनों लेग्स को जोड़ा गया है, ठीक है ना, ये दोनों लेग्स हैं इन दोनों को यहाँ रिबिट के अनुसार जोड़ा गया। तो ये कैसा हुआ, ये हुआ फर्म जॉइंट, ठीक है। अब स्प्रिंग जॉइंट को हम देखेंगे, स्प्रिंग जॉइंट होता है और जनरली यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो स्प्रिंग जॉइंट को हम देखेंगे थोड़ा सा, ये स्प्रिंग जॉइंट कुछ इस प्रकार का होता है, इसे हम कहते हैं स्प्रिंग जॉइंट। ध्यान दीजिएगा, ये स्प्रिंग जॉइंट कुछ इस प्रकार का होता है, इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं तो ये स्प्रिंग के द्वारा फैलता और बंद होता है। जनरली एक्यूरेसी के लिए हमेशा हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसका हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें रिविट है, इसको हाथ से ही फैलाना पड़ता है, इसके लिए कोई भी स्क्रू या बोल्ट नहीं दिए जाते हैं। इसमें एक और चीज रहती है, ये एक नट रहता है, सॉरी बोल्ट रहता है, जिस पे यहाँ पे एक नट लगा होता है जिसकी मदद से हम इसको खोलते फैलाते और बंद करते हैं, फैलाते और बंद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये होता है हमारा कैसा, फर्म जॉइंट सॉरी स्प्रिंग जॉइंट, और ये होता है हमारा फर्म जॉइंट। तो ध्यान देना है, जोड़ के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे, दूसरा जो प्रकार आता है इसमें, दूसरा जो प्रकार आता है उसमें हम कहते हैं लेग, लेग के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, लेग के अनुसार कितने प्रकार से होते हैं, तो लेग के अनुसार हमें आपको बता दें कि यह तीन प्रकार से होते हैं। पहला है आउट, आउटसाइड कैलिपर, फिर होता है दूसरा इनसाइड कैलिपर, ठीक है, तीसरा होता है हमारा ऑड, ऑड लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या लंगड़ा कैलिपर, ठीक है ना, इसको हम तीन चार नाम से जानते हैं, हम आपको अभी सभी बताएंगे। तो व्हाट इज द लेग के अनुसार, लेग समझ गए आप, लेग हमने जो आपको अभी बताया कि ये कैलिपर ऐसा होता है, फिर ये ऐसा चलता है, ठीक है, ये
ये कैलिपर आप हमने आपको बताया कि ये ठीक है ना। तो ये कैलिपर में ये जो कहलाती है इसकी लेग कहलाती है, और इसकी जो हाइट होती है रिबिट रिबिट के सेंटर से, रिबिट के सेंटर से लेग तक, ये क्या होती है इसकी लंबाई। ठीक है, लंबाई इसकी कहाँ से, रिबिट के सेंटर से, पॉइंट से रिबिट के सेंटर तक, इसको हम पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो या आप ऐसा कह लीजिए कि लेग लेग के पॉइंट से लेके रिबिट के सेंटर तक इसकी लेंथ ली जाती है, जो इसकी लेंथ यानी लंबाई ली जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, तो हमने आपको आउटसाइड कैलिपर बताया, तो आउटसाइड जो कैलिपर होता है वो काहे के लिए होता है, इससे हम बाहरी माप के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गोल हो चौकोर हो। ठीक है ना। किसी भी तरीके की बाहरी माप को अगर जब हमें इनडायरेक्टली बाहरी माप को लेना है, तब हम किसका, आउटसाइड कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे। इनसाइड कैलिपर जब भी हमें किसी जॉब जॉब के खांचे, यानी ये जो बीच में है, ठीक है ना, ये जो बीच में बना है खांचा, जब भी हम कभी इस खांचे पे, इस खांचे का लेना है, ठीक है ना, या इस अंदर के, यहाँ अंदर के खोखले भाग का लेना है, अंदरूनी हिस्से का, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, इनसाइड कैलीपर का इस्तेमाल करते हैं। इनसाइड कैलीपर उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष माप लेने के लिए। अब फिर है आउटसाइड, सॉरी ऑड लेग कैलीपर, जेनी कैलीपर, हर्माफ्रोडाइट कैलीपर, या इसे लंगड़ा कैलीपर भी बोलते हैं, क्योंकि ऑड लेग, एक जो लेग होती है वो छोटी होती है। आपने अपने कैंपस बॉक्स में देखा होगा जिस प्रकार पर हम पेंसिल लगाया करते हैं, एक ऐसे आता है उस पर एक नोक होती है और दूसरा यहाँ तक आता है, फिर उसमें एक ऐसी पट्टी लगी होती है जिसमें होल होता है, जिसमें हम क्या फिट करते हैं, ठीक है ना, को फिट करते हैं, और ये यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है, ऐसा आपने देखा होगा ना, तो इसी को हम कहते हैं ऑड लेग कैलीपर, जेनी कैलीपर, लंगड़ा कैलीपर, हर्माफ्रोडाइट कैलीपर। ध्यान देने योग्य बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे कैलीपर हमारे जो कैसे होते हैं, लेग के अनुसार हमारे वर्गीकृत होते हैं। तो ये है हमारा ऑड लेग कैलीपर, ठीक है ना। तो लेग के हिसाब से हमारा आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर और ऑड लेग कैलीपर, ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो हमने आज आपको बताया क्या कैलीपर क्या होता है। कैलीपर क्या होता है, एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है, जिसके माध्यम से हम किसी भी इनसाइड आउटसाइड, किसी भी गोल चौकोर या लंबवत या रेडियस में, ठीक है ना, रेडियस में, सॉरी रेडियस में नहीं होता है, उसमें होता है सर्कुलर होता है, ठीक है ना, स्क्वायर होता है, ऐसे जॉबों के हम क्या है, माप लेने के लिए, अप्रत्यक्ष माप लेने के लिए हम कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलिपर बने काहे के होते हैं, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बना होता है कैलिपर। अब इसमें एक और बात आती है, लेग के अनुसार कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और लेग कैलिपर, ठीक है ना, और जोड़ के अनुसार फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट, हमने वो भी आपको दिखाया। अब बात आती है कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, तो दोस्तों इसकी एक्यूरेसी, हम इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं होती, इसकी एक्यूरेसी हमारी स्केल की एक्यूरेसी पर चलती है, यानी 0.5 mm या 1/ इंच, ठीक है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं।
0.001 इंच, इंच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इंच, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं आप, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, 1/64 इंच या 0.5 इसकी एक्यूरेसी होती है, 0.5 mm या 1/64 इंच, ठीक है ना, ये इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है ना। इसका अगर पूछा जाए कि इसका अल्पतमांक क्या होता है, तो ये इसकी एक्यूरेसी है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और आशा करते हैं कि आप इसकी तैयारी करते रहेंगे और इसको भूलेंगे नहीं। हम आपको अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।